शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से आइए बैठिए। भाभी हम आपको क्या बताए, नैना भाभी तो ना वहां अनशन पर उतर गई है, तो रसोई पूरी सूनी पड़ी। मुझे ना चक्कर आ रहे थे भूख के मारे, इसलिए हम यहाँ पर चले आए खाने के लिए। अरे रितु वो सब तो ठीक है, लेकिन ये नैना भाभी ना बेकार में मेहनत कर रही है। अरे कुछ नहीं मिलने वाला वहां से, हम कह दे रहे हैं। अरे बिल्कुल पनौती है ये लड़की, पनौती हम कह रहे हैं। हाँ यशवी जी, यशवी जी आइए पधारिए। अरे यशवी जी, आपने बताया नहीं कि आप यहाँ आने वाली हैं। नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, अगर आपने बोल दिया होता कि आप आने वाली हैं तो हम आपकी खातिरदारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। हाँ नहीं नहीं तनुजा जी, मैं तो बस आपसे मिलने आई हूँ। तनुजा जी कल जो भी हुआ उस बात को लेकर आप अभी भी नाराज है क्या? होश में आइए तनुजा जी, होश में आइए। अरे इतना नहीं बुढ़ा गए हम कि कल इतनी चिल्लम चिल्ली हुई और आज हम भूल गए। अरे अश्वी जी हमारा दिल ना बहुत ही साफ है, हमारे दिल में जो भी होता है ना वही जुबान पे, तो हम तो यहाँ पहुँचते ही सब कुछ भूल गए और आपको माफ भी कर दिए, तो आप भी ना सब कुछ भूल जाइए। आइए बैठते हैं, आइए बैठ। मम्मी श्रद्धा, मम्मी कैसी हैं आप? कैसे हो बेटा? बेटा वो कल इतना सब कुछ हुआ, हमें मौका ही नहीं मिला कि मैं बात आपको समझा सकूं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि वो एक छोटी सी गलतफहमी थी और कुछ नहीं। आंटी जी मुझे जो देखना समझना था मैं देख चुका हूँ, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये सब क्या है अभय? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मम्मी जी के जन्मदिन पर मैं लेट आई, उसके लिए आपको मुझे जो कुछ भी सुनाना था, जो कुछ भी कहना था आप कह चुके हैं, और मैं सुबह तक सब कुछ सहती रही। लेकिन बाहर बाहर आपने मम्मी से किस तरह से बात की? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने जो किया उसके बाद तमीज की उम्मीद भी कैसे रख सकती हूँ? मैं भूल नहीं सकता हूँ श्रद्धा। अभय उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो आप उनको इतना भला बुरा कह रहे हैं। अच्छा मैं अंधा हूं क्या? मैंने खुद देखा है उन्हें मेरी माँ को धक्का मारते, और मेरी मम्मी की बेइज्जती मैं सहन नहीं करूंगा श्रद्धा। आपने जो देखा वही आपने सच मान लिया ना? आपने अभय ये जानने की कोशिश भी नहीं की ना कि वहां पे असल में आखिर हुआ क्या था? आपके साथ ये कभी नहीं हुआ क्या कि किसी ने आपको गलत समझ लिया हो? कीर्ति, कीर्ति उठो, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? वरुण जी अब आप आ गए हैं ना तो सब ठीक है। वरुण जी कहीं बाहर चले घूमने, आपका मन भी हल्का हो जाएगा और हमारा भी। मतलब
तुम्हें कुछ नहीं हुआ? नहीं, हुआ था ना, हार ढूंढने के चक्कर में हमारा मन इतना घबरा गया, हमारी धड़कनें बहुत तेज हो गई और आपकी नाराजगी के बारे में सोच के तो हमारे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। पर अब आप आ गए, सब ठीक है, सब लड़ेंगे, हम कहीं बाहर चले जाएंगे। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? वहां मैं काम बीच में छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, इतना डर गया था, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। तो कुछ हो जाएगा तभी आप आएंगे क्या? कीर्ति तुम होश में तो हो? यहाँ मेरा दिमाग खराब हो गया, वहाँ मम्मी ने एक निवाला तक नहीं खाया है और तुम्हें सैर सपाटे की पड़ी हुई है, होश में तो हो तुम? देखो एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक तुम मम्मी को उनका हार वापस नहीं करोगी, मुझसे कहीं भी घूमने फिरने की उम्मीद मत रखना, समझे तुम? कल ही वो हार वापस आ रहा है, हम जाके आपके घर वालों की मुंह पे मार के आएंगे ताकि आगे से ना वो हमें कुछ बोल ही ना पाए। सिद्धा जी, मैंने आपसे बोला था ना, मेरे पास दुनिया की सबसे अलग डिजाइन है जो आपके कपड़ों की रौनक ही बढ़ा देगी। सही कह रहे हैं आप रतन भाई, आपके डिजाइन तो वाकई बहुत सुंदर हैं, लेकिन जो मैं ढूंढ रही हूँ ना, इनमें वो राजसी बात नहीं है। दरअसल मैं कुछ पुराने रजवाड़े डिजाइन ढूंढ रही हूँ, क्योंकि हमारे जो कपड़े के डिजाइन है वो भी वैसे ही मिलते जुलते हैं। वैसे हाल ही में मुझे किसी ने अपना हार बेचा था एक नए डिजाइन के बदले, वो हार बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको चाहिए, एकदम राजवाड़े जैसा दिखता है और उसे देखकर दुनिया की आंखें चौंधिया जाएंगी, पर एक ही पीस है वो, और वो हार इस बॉक्स में है। हेलो कीर्ति। हेलो, कहाँ हो दीदू, हार मिला? शायद ये वही हार है। पक्का वही हार है ना? वो हार ना हमें इनके मुंह पे मारना है ताकि आगे से ना हमसे कोई सवाल ही ना पूछे। बताओ ना, वही है ना? बताओ ना, वही हार है ना? कीर्ति ये वो हार नहीं है। मुझे डर लग रहा है कहीं इन्होंने वो हार किसी और को ना बेच दिया हो। क्यों लगाना झटका? के पहले आपने ऐसा नायाब देखा है? एकदम राजवाड़ों सी चमकने वाला राजसी हार। हेलो, हेलो दीदू, मैं बाद में बात करती हूँ। सही कहा आपने रतन भाई, बहुत सुंदर है, लेकिन आपके पास कुछ और है तो दिखाइए ना। इसके बाद और कुछ नहीं मैडम। क्या रतन भाई, आप भी ना, आपके काम की चर्चा तो पूरे कानपुर शहर में इतनी मशहूर है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप इससे भी अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। दिखाइए ना अगर आपके पास कुछ और है तो। नहीं नहीं मैडम जी, जो है सो यही है। अब आप रसीद बनाइए और अपने प्रदर्शन की तैयारी कीजिए, उसके बाद शाम को लौटते वक्त मैं ये सारा ज्वेलरी लेके चला जाऊंगा। ये तो मानने को ही तैयार नहीं, कीर्ति को कैसे बताऊं कि हार नहीं मिला। क्या हुआ,
कार नहीं मिला, तुम तो हमारे मुंह पर फेंक कर मारने वाली थी ना, ये उठा कर मारे तुम पर। हेतु रखिए उसे, नीचे रखिए। कीर्ति बोलिए ना, क्या हुआ, हार मिल गया क्या? वो ना दीदू आपका हार ही लाने गई है, शायद किसी काम में फंस गई होंगी, हम लेकर आते हैं। भाभी ये झूठ बोल रही है, क्यों आप हर बार यहाँ चली आती अपना विश्वास तोड़वाने के लिए? क्यों रखती है आप उम्मीद जिससे आपका दिल टूटे? चलिए भाभी चलिए। दीदू हम ना वरुण जी को, बुआ जी को, मम्मी जी को बहुत अकड़ में बोलकर आए हैं कि हम हार लेकर ही वापस आएंगे। अगर वो हार वापस नहीं मिला ना, तो वरुण जी और हमारे बीच जो दूरी है वो कभी नहीं मिटेगी। भाभी बुरा मत मानिए, लेकिन आपकी ये हालत ना आप ही के वजह से है। हाँ क्या सोचा था आपने भाभी कि आप हमारी माँ का पुश्तैनी हार अपने बहू को देंगे तो आपका बेटा और बहू यहाँ रुक जाएंगे? रुके भी नहीं, चले गए इस घर से और हार भी बेच दिया ऊपर से। कीर्ति ने घर से बाहर निकल के घर तोड़ा और श्रद्धा ने घर में रह के, ये दोनों दीक्षित बहनें ना इस घर के लिए पनौती साबित हो रही। कहीं सोनिया ने श्रद्धा के बारे में बता तो नहीं दिया घर वालों को? सोनिया जरा दो मिनट आना, कुछ काम है तुमसे। बोलो अभय, क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए? ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि श्रद्धा के बारे में तुम बाकी सबसे क्या बोल रही थी। ये क्या बोल रहे हो तुम अभय, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि श्रद्धा तुम्हें बिना बताए लड़के से मिलने गई थी। पर अभय मैं चाहती हूँ कि घर में सबको बाहर से पता लगे, इससे पहले तुम ही सबको ये सब बता दो। तुम्हें जो लगता है ना तुम खुद तक ही रखो, जैसे बाकी सब बातें रखती हो, खुल के नहीं अपने हिसाब से सब बातें बताती हो ना। क्या नहीं बताया मैंने तुम्हें अभय? यही कि श्रद्धा का क्या लेना देना कीर्ति और उस हार से। देख कीर्ति, आज मुझे सचमुच लगा था कि वो हार मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन रतन भाई तो जरूरत से ज्यादा शातिर निकले। उस हार तो लेके आए, लेकिन सारे हार के साथ किस्मत ही ऐसी। दीदू, किस्मत बोल के आप तो हार झाड़ लेंगे, पर हम क्या करें? हमें तो हार चाहिए ना, बिना हार के हम घर वापस नहीं जा सकते। अगर हम हार लेके नहीं जाएंगे तो वरुण जी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम क्या करें? हम घर नहीं जाएंगे, आज से हमारा यही नया घर है, यही जगह हम यही रहेंगे, बिना अली हम घर नहीं जाएंगे। ताने सुनने से तो अच्छा है कि कोई गाड़ी आके हमें उड़ा दे। कीर्ति ये क्या नाटक है तेरा? नाटक लग रहा है आपको ये दीदू? हमें हार चाहिए, बिना हार के हम घर नहीं जाएंगे। अपनी गलती की सजा ना हम अपने आप को ही देंगे, इस ऑफिस के सामने यही इसी जगह पे हम बैठे रहेंगे, यही नया घर है हमारा। तुम्हें क्या कर रही है, घर चल। देख कीर्ति, जब मैंने तुझे कहा है कि वो हार वापस मिल जाएगा तो तुम उस पर भरोसा रखना। इस वक्त सब देख रहे हैं कीर्ति, घर चल, उठ उठ। कीर्ति सब ठीक होगा, मैं तुझसे कह रही हूँ ना, अभी घर जा। पक्का आप हार ढूंढ लेंगी ना? पक्का। दीदू पक्का पक्का वादा? पक्का पक्का वाला वादा। दीदू हमें आपका इंतजार रहेगा।
इंतजार करते रह जाएंगे सब यहाँ, जब श्रद्धा का कीर्ति से किया वादा उसी के ऊपर भारी पड़ जाएगा। रातों रात कहाँ से लाएगी बेचारी श्रद्धा आंटी जी का पुश्तैनी हार? देखो ये बड़ी वाली हार को बॉक्स में ऐसे तरीके से डाल दो। थैंक यू सो मच रतन भाई, आपके साथ फिर से एक बार बिजनेस करके हमें बहुत अच्छा लगा। ए भाई जरा ध्यान से रखना, एक भी डायमंड इधर उधर हो गया तो उसकी भरपाई तू करेगा क्या? चल हट। श्रद्धा जी आप लोगों से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मेरा असली जेवर कहाँ है? असली क्या हुआ रतन भाई? पिछले 5 सालों से आपकी कंपनी के साथ हमारा व्यापार चलता आ रहा है और अब ऐसी हरकत कर रहे हैं आप लोग? अरे बेवकूफ समझ के रखा है क्या मुझे? अब कैसी बातें कर रहे हैं आप रतन भाई, ये सारे जेवर तो आप ही ने दिए थे, अब आपने दिए तो असली दिए होंगे ना? असल और नकल का सवाल आप एक जौहरी से कर रही हैं? आपको क्या लगता है आप जैसे ठगने वाले मुझे पहले नहीं टकराए? कैसी बातें कर रहे हैं आप रतन भाई, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी तो आपको हुई है, आपको क्या लगता है बात यही खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, अब इस कंपनी पे ताले लगेंगे और आप दोनों को जेल न कराई तो मेरा नाम भी रतन भाई नहीं। अरे अरे शांत रतन भाई, श्रद्धा ये सब क्या है, क्या तमाशा है ये? सर मुझे खुद भी नहीं पता कि रतन भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखो श्रद्धा, रतन भाई हमारे साथ सालों से जुड़े हैं, इसलिए अगर ये गलत फहमी है तो इसे अभी के अभी ठीक करो, ठीक है ना? जी सर। रतन भाई आप निश्चिंत रहिए, ये जो भी कुछ हुआ है सब ठीक हो जाएगा। आ जा तू, तू भी जा। तुम अपना भोली सूरत दिखाकर मुझे ठगने चली थी। देखो तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरा जेवर मुझे वापस कर दो, वरना इसकी कीमत तुम्हें जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। रतन भाई असली जेवर तो आप ही के पास है। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, मैं इस बात को साबित भी कर सकती हूँ। अब बोलिए असली जेवर आप ही के पास है ना? रतन भाई मैं आपको आपके सारे जेवर वापस कर दूंगी, लेकिन बदले में मुझे वो हमारा असली पुश्तैनी हार वापस चाहिए, जिसके बदले आपने हमें ये नकली हार बेचा था। समय लगता है दरवाजा खोलने में? हम सो रहे थे। ये कौन सा वक्त है सोने का? ये कैसा सवाल है वरुण जी? आपको तो पता है ना हमें जब नींद आती है तो हम सो जाते हैं। तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है मेरे पास, एक चाय बनाओ मेरे लिए और कीर्ति मेरा सामान पैक कर दो, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली क्यों, अकेले अकेले मजे करने हैं? मजे नहीं, काम के लिए जा रहा हूँ, तुम जल्दी से पैक कर दो मेरा सामान। वरुण जी अभी तो अच्छे से हमारी आँख भी नहीं खुली है और आप हमें काम पे काम दिए जा रहे हैं, अरे हम बहुत थक गए हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम दिन भर कोई काम तो करती नहीं, इतना थक क्यों जाती? वाह
ऑफिस जाते हैं तो आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही काम करते हैं? हम जैसी बीवियां जो घर का काम करते हैं, वो काम काम नहीं होता। बीवियां काम करती हैं कीर्ति, तुम नहीं। अरे आज तक मैंने तुम्हें एक पानी का ग्लास उठाते हुए भी नहीं देखा है। खाना बाहर से आता है, घर की सफाई तुम गांव वाले से करवाती हो और घर के लिए सामान तुम फोन पे ऑर्डर करती हो। हाँ तो ये कि इनमें से ऐसा कोई भी काम नहीं जिसके लिए तुम्हें जरा सा भी हिलना पड़े। आज तक कोई भी जिम्मेदारी संभाली है तुमने? अरे मेरी मम्मी का इतना कीमती पुश्तैनी हार तुमने इतने कम दामों में बेच दिया। इतनी बेवकूफी, इतनी गैर जिम्मेदार। हाँ हो गई हमसे गलती, हो गई, पर वो गलती हम ही सुधार रहे हैं ना, क्योंकि आपसे तो कुछ हुआ तो क्या करता मैं? तो क्या करता? अरे तुमने इतना महंगा हार बेच दिया और एक रसीद भी नहीं ली। पुलिस को क्या बताऊं मैं कि मेरी बेवकूफ बीवी बेवकूफी में ठगी गई? एक रसीद के ऊपर आप इतना चिल्ला रहे, बिना रसीद के हमारी दीदू वही हार हमारे लिए वापस ला रही है ना? ये जिम्मेदारी भी तुमने श्रद्धा के सर पे डाल दी। तुमसे आज तक कुछ भी हुआ है कीर्ति? एक श्रद्धा है जो घर परिवार ऑफिस यहाँ तक कि तुमको भी संभाल रही है और तुम जहाँ तहाँ उसे दो उल्टी बातें सुना देती हो। अरे अपनी बहन से कुछ सीखो। हाँ, इतनी पसंद थी श्रद्धा तो क्यों नहीं कर ली उससे शादी? गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। काश मेरी शादी श्रद्धा से हो जाती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आपको पता नहीं है कि शेर के मुंह में हाथ डाल रही हैं आप। अभी भी वक्त है आपके पास, मुझे मेरा जेवर वापस कर दीजिए वरना। आपको मुझे जितना धमकाना है धमका लीजिए, लेकिन मैं भी डरने वालों में से नहीं हूं। तो इस हार के बारे में तुम कैसे जानती हो? क्योंकि ये वही हार है जिसे आपने मेरी बहन को बेचकर उसे ठगा था। देखिए रतन भाई, मुझे आपके साथ व्यापार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन का वो असली खानदानी हार वापस चाहिए जिसके बदले आपने ये नकली हार बेचा था। मैं आपको कल तक का समय देती हूँ। अगर आपने कल तक वो हार मुझे वापस नहीं किया तो मैं पुलिस में जाकर आपके खिलाफ गवाही दे दूंगी कि कैसे आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उनको ये नकली हार बेचकर उन्हें ठगते हैं। ठीक है, तुम्हें तुम्हारा हार कल तक मिल जाएगा, लेकिन अगर पुलिस बीच में आई तो याद रखना रतन भाई से पंगा लेना बहुत भारी पड़ता है। आप अपने वादे पर कायम रहिए और मैं अपने वादे पर। ठीक है। कहीं अभय को सच का पता तो नहीं चल गया? बताओगे नहीं तुम? चलिए, मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम आप उससे बात तो कर रहे हैं। अरे यार तुम अपनी ये नौटंकी बंद करो और ये बताओ इतने बड़े आदमी से तुम उस कीर्ति के लिए क्यों पंगा ले रही हो? क्योंकि कीर्ति मेरी बहन है अभय। वो बहन जो तुम्हें हर जगह बेइज्जत करती है उसके लिए तुमने अपनी नौकरी दांव पे लगा दी है। मैं खुश हूँ अभय, कम से कम आपको मेरी चिंता तो है। श्रद्धा, अभय मुझे इस वक्त अपनी नौकरी से ज्यादा इस परिवार की चिंता है और ये हार वापस पाकर अगर हमारे परिवार के लोग फिर से एक हो जाते हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? और ऐसे में एक नौकरी क्या,
अपने हजार नौकरी को भी दांव पर लगा सकती हूँ। बस किसी तरह से मुझे कल सुबह तक किसी भी हालत में उस आदमी से वो हार निकलवा के रहना है। ये लीजिए, मैंने अपना वादा पूरा किया। हाँ दीदू, ये हार ना हमारे लिए ही बना था, हम पे सुंदर लग रहा है। मैं तुझसे कह रही हूँ ना, अभी घर जा। पक्का? पापा हार ढूंढ लेंगे ना। आपके लिए सिर्फ एक जेवर होगा, पर ये खानदानी हार एक परिवार के लिए उनका मान, उनका सम्मान होते हैं। अगली बार आपने किसी के घर के मान सम्मान को ऐसे छीनने की कोशिश की ना, तो मैं पुलिस बुलाने से पहले दो बार नहीं सोचूंगी। ठीक है ठीक है, मुझे मेरा जेवर वापस कीजिए। अभी एक मिनट, मैंने कहा था ना तुमसे, शेर कभी भी अपना शिकार नहीं छोड़ता, पूरा का पूरा खाता है। मुझे मेरा जेवर वापस कीजिए अभी। और रतन लाल को जो जेवर पसंद आ जाते हैं ना, उसका हो जाता है। छोड़ो। हाँ। रतन लाल से पंगा? ये देख, मैं अपने सारे जेवर और ये तेरा खानदानी हार लेके जा रहा हूं। चल, 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 छोड़ो, छोड़ो, हार वापस करो। मैंने बोला छोड़, छोड़ मेरे पेड़। मैंने बोला छोड़, छोड़ मेरे पे। हाँ वापस करो। मैंने बोला छोड़। ये क्या कर रहे तुम? छोड़ो मेरा कॉलर, छोड़ जा। मेरे वरना की ऐसी की तैसी। तुमको जो चाहिए ले लो, मुझे जाने दो, ये दो, मुझे जाने दो। क्या कर रहे हैं आप? अबे छोड़िए, छोड़िए अबे, अबे आप बेकार में फंस जाएंगे। प्लीज छोड़िए अबे, क्या कर रहे हैं आप? अबे प्लीज छोड़िए। Oh,
अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए, मैं बेगुनाह हूँ, चोर तो ये लोग हैं। चुप, सारी कहानी थाने चल के सुनाना। अच्छा हुआ मैं आप वक्त पर आ गए, वरना वरना तो पूरे डायलॉग नहीं सुना तुमने, वरना ऐसे की वरना ऐसे की तैसी। चलो अब रोना बंद कर, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। देख लूंगा मैं तुम लोगों को, तुझे मैं दिखाता हूँ। अबे जा रे, जो देखना दिखाना ना थाने जाके करना। चल थाने चल, पहले अपने साथियों का नाम बता। चल माफी भी किस मुंह से मांगू कीर्ति, वो रतन भाई जैसे इतने नामी जौहरी ऐसा भी कर सकते हैं? तो मैं तुझे उनसे कभी नहीं मिलवाती। दीदू हेलो, वैसे ज्योति सही कहा तुमने, तुम्हें कैसे पता होगा कि रतन भाई इतने बड़े ठग हैं? वैसे तुम्हें कितने का ठगा? अब यही कुछ 2-3 लाख रुपए। और तुमने कितनों को ठगा? तमीज से बात कीजिए, इज्जतदार घराने से हूं मैं कीर्ति, और तुम्हारी बुआ सास है इसलिए लिहाज कर रही हूं, वरना छोटे लोग की ना सोच भी छोटी ही होती है। हा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बुआ जी से ऐसे बात करने की? चोर कहीं की? अरे दोस्त समझा था तुम्हें, पर तुम तो हमें ही ठग गई। तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। ओह बुआ जी पकड़ो, अरे रुको, अरे उसका करना क्या है, अरे पकड़ो तो कम से कम। तुम्हारा ईमान है भी या नहीं? अरे हमारे सैंडल क्यों ले ले, सैंडल छोड़ दो। पकड़ो भाभी, तुझे ना अब खाने में खड़ाऊंगी। तो क्या बेवकूफ बनाएंगे हम? बुआ जी, बुआ जी क्या खड़े खड़े देख रहे हो? इसे कैसे, थोड़ी देर हम मजा लेंगे। अपने कर्मों की सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए, तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है बुआ जी, छुड़वाओ ना। कीर्ति रानी, तलवार की तरह तेज जबान चलती, थोड़े हाथ भी चला लिया करो, अब ना हमारे पैर चलेंगे। चोर चोर कहेंगे। अरे ऐसे कैसे भागेगी हमारी माँ का हार लेकर? तुझे ना भगा भगा कर हमने थाने में तुझे ना घुसाया ना, हमारा नाम भी रितु बुआ नहीं। पुलिस आ रही है, पकड़ के रखो। चोर कहेंगे पुलिस, पकड़ो इसे, ले चलो, ले जाइए, सड़ाइए इसे जेल में, चलो। हाँ जी आ रहे हैं हम, चलो घर से बुलावा आया है। हमारे नए सैंडल खराब करती है इसके चक्कर में, चलो अब चलिए तो रहे। कीर्ति तो आ गई, ये ले अब ये हार अपने हाथों से ही ताई जी को दे।
श्रद्धा बेटा, आज आपने हमारे लिए सिर्फ अपनी नौकरी ही नहीं, अपनी जान की भी बाजी लगा दी। तो समझ में नहीं आ रहा कि हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। हमने तो उम्मीद ही खो दी थी। ताई जी, आप खुश हैं, उसी में हम सबकी खुशी है। फिर शुरू हो गया इनका तीदू पुराण। आखिर एक ही परिवार तो है। श्रद्धा, तुमने हमारी माँ की आखिरी निशानी वापस लाकर तुमने हम पर बहुत ही बड़ा उपकार किया। श्रद्धा बेटा, आपको बहू के रूप में पाना हमारे परिवार के लिए वाकई बहुत गर्व की बात है। तनुजा और अनुज वाकई बहुत भाग्यशाली है। केवल भाभी को देख जेलसी में कैसे गुब्बारे की तरह फूल गए हैं। तो चुप कर और ये देख कि कैसे तेरी भाव रहेगी। क्योंकि श्रद्धा भाभी उसके चेहरे खा रही है। हम अभी वरुण को फोन करके बताते, वो भी बहुत परेशान होंगे। माफ करेगा मम्मी, पर अभी तक वो हार। बेटा, हार मिल गया है। क्या सच मम्मी? श्रद्धा ने आखिर कर ही दिखाया ना। हाँ बेटा, लेकिन आपको कैसे पता कि श्रद्धा ने? हमारे परिवार के लिए इतना और कौन करता है मम्मी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम कल ही सबसे पहले माता रानी के मंदिर जाएंगे और उनके चरणों में ये हार चढ़ाएंगे ताकि सारी बुरी नजर उतर जाए। और अब आप भी बस जल्दी आ जाइए। जी मम्मी, ख्याल रखिएगा। श्रद्धा बेटा, आज आपकी वजह से हम नैना जी के चेहरे पर फिर से मुस्कान देख पा रहे हैं। ताऊ जी, ये सब कुछ मैंने अकेले नहीं किया है, इसमें अभय ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। अगर वो नहीं होते ना तो समझिए ये हार हमें मिल ही नहीं पाता। अरे सारी बड़ाइयां लूटने के बाद कह रही कि अभय साथ था। अरे हमारा बेटा साथ नहीं होता ना तो कुछ नहीं कर सकती थी। हाँ, एक छोटी सी चीज के लिए इतना क्या तारीफ किए जा रहे हैं सब। हमारी तरफ तो कोई देख भी नहीं रहा है। अरे अरे, ये क्या बात हुई? हाँ जरा हम पर भी गौर फरमाइए। हाँ, हम सिर्फ सुंदर ही नहीं पर बहुत ही बलशाली भी। आप लोगों को पता है क्या हुआ था ना? हमने ज्योति के ना ऐसे ऐसे छक्के छुड़ा दिए थे, वरना आज ना फिर से कोई नया पकराया बकरी फंसा के फिर रही होती। अरे बिल्कुल बुआ जी, आपने तो आज साबित कर दिया। क्या आप हमारी बुआ हैं? रितु बुआ से प्यारा कोई नहीं है। शाबाशी दो आप। जी लो। ये कीर्ति अचानक कहाँ चली गई? ये कीर्ति भी ना पता नहीं कहाँ रह गई है। परिवार के सब लोग यहाँ पर हैं, ऐसे मौके पर उसे सबके साथ होना चाहिए, पर पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं कुणाल, अभी तक भाभी ने हमारे बारे में घर पे किसी को कुछ भी नहीं बताया है। अब उन्हें ऐसे लगता है कि हमारा रिश्ता टूट गया है तो उन्हें ऐसे ही लग्न में हुआ। रिकॉर्ड ठीक है, मैं तुम्हें कल मिलती हूँ कॉलेज में। ओके बाय। भाभी मेरी फ्रेंड है ना सारिका, उसी का फोन था, उसे मुझसे नोट्स चाहिए थे तो बस इसीलिए। अब आरती, मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम किससे फोन पे बात कर रही हो। हाँ पूछा तो नहीं,
पर आंखों में तो आपके वही सवाल दिख रहा है ना कि मैं किससे बात कर रही हूँ। और वैसे भी नजर तो रख ही रहे हो आप मुझ पे। वो तो मैं कीर्ति को ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई है, मिल ही नहीं रही है। हाँ तो मैंने पूछा आपसे कि आप यहाँ क्या कर रही हो, किसे ढूंढ रही हो। और वैसे भी मेरे फोन में आपको कीर्ति नहीं मिलने वाली। मैं अभी आती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई कीर्ति। थैंक गॉड आज बाल बाल बच गई। क्या हमने हार लाने की कोशिश नहीं की हा? पर हम तो किसी को नजर ही नहीं आते। और ये तो इत्तेफाक से रतन भाई दीदू के ऑफिस से जुड़े हुए थे, इसलिए उनको हार वापस मिल गया। और हमने हमने जो ज्योति को पकड़ा उसका क्या, वो भी वाह भाई बुआ जी बटोर गई। और वरुण जी तो हमें फोन ही नहीं कर रहे, ना ही पैसे देके गए। मन बहलाने के लिए कम से कम एक मूवी तो दिखाते। अब ये रूखा सूखा खाना पड़ रहा है हमें। हमारी तो जिंदगी खराब हो गई है। क्या बेशरम आदमी हो, कौन है तुम और बिना उनसे पूछे हमारी तस्वीर क्यों ले रहे हो? अरे अरे बस बस मैडम, आप ऐसे ही खड़े रहिएगा, हिलेगा नहीं। बेशरम आदमी, अब ये तस्वीर ना तुम थाने में दिखाना। चलो चलो। अरे मैडम रुकिए मैडम, आप गलत समझ रही हैं। एक सेकेंड, ये देखिए कुणाल श्रीवास्तव फोटोग्राफर, हम तो आपके टॉक टॉक वीडियोस के फैन हैं। आप जैसे ही लोगों को खोज रहे हैं, अपने फ्रेंड के साथ मिलके हमने एक मॉडलिंग एजेंसी खोली है। इसमें आप जैसे ही मशहूर और होनहार मॉडल चाहिए हमें अपने एड्स के लिए। हम मॉडल? हाँ मैडम, हमने एक नया काम उठाया एक ब्यूटी ब्रांड के साथ। ब्यूटी यानी सुंदरता, और आपका सुंदर चेहरा उसके लिए ही बना है। हम ब्यूटी ब्रांड के साथ जुड़ेंगे? अब वैसे उसमें क्या क्या होता है? उसमें सब कुछ है। कैमरे में जब हमने आपको देखा तो आपकी फोटो सीधा हमारे मन से होते हुए घंटाघर चौराहे के बड़े से बैनर पर जाकर के चिपक गई, जिसमें ब्यूटी क्रीम का एड है और आपका चेहरा। पूरा कानपुर आते जाते आपकी सुंदरता को देख रहा है। वैसे सुंदर तो हम बहुत है। लड़कियां आपके नाम से क्रीम खरीदेंगी, सोचिए। और बस मुझ पे एक बार भरोसा करके देखिए, ये मेरा कार्ड है और इसके पीछे दफ्तर का एड्रेस। पर वो हम कैसे? पहले हम आपके साथ एक फोटो शूट करते हैं, उसके बाद आपको हमारी काबिलियत पे खुद भरोसा हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ लंबा काम कर सकते हैं, पैसा और नाम दोनों मिलेगा। हाँ वैसे पैसे कितने मिलेंगे? तकरीबन 1 लाख। 1 लाख रुपए एक विज्ञापन के? 1 लाख एक दिन का मैडम। देखिए ईमानदार आदमी हूँ, और अगर आपको मुझ पे 2 करोड़ का भी भरोसा नहीं है तो मैं ये सारी फोटोज डिलीट कर देता हूँ। अरे नहीं 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 बिल्कुल नहीं, अभी हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। ओके ओके। 1 लाख रुपए एक दिन का? अरे सब ना दीदू को कहते हैं कि वो काम घर सब संभाल लेती हैं। जब हम इतने फेमस हो जाएंगे ना और 1 लाख रुपए एक दिन का कमाएंगे ना, सब हमारे पीछे पीछे ही भागेंगे। हाँ हम मॉडल अब अपने हर सपने को पूरा करके रहूंगी, देखते हैं कौन रोकता है। हेलो हेलो वरुण जी, हमें ना बहुत अच्छा काम मिला है मॉडलिंग का, उसमें 1 लाख रुपए मिलेंगे और उस ब्यूटी ब्रांड के साथ हम जुड़ जाएंगे। ब्यूटी ब्रांड कीर्ति ये सब? वरुण जी पहले आप हमारी पूरी बात सुनिए।
बहुत अच्छा काम है और उस ब्रांड की ना मैं अकेली मॉडल रहूंगी, इतना नाम होगा हमारा, हमारा सुंदर सा चेहरा हर जगह छप जाएगा। एक बार मना कर दिया ना कीर्ति, अब ध्यान से सुन लो, ऐसी कोई बेवकूफी तुम नहीं करोगी, समझी? पर क्यों नहीं करें हम? वरुण जी, हेलो, बिना वजह बताए और बिना हमारी पूरी बात सुने हुए वरुण जी ने फोन कैसे कर? हम जब भी कुछ करना चाहते सब हमें सिर्फ ना ही कहते हैं, जैसे हमारी जिंदगी पे ना हमारा कोई हक ही नहीं है। मैडम, कल की फोटोशूट की पूरी तैयारी हो गई है, एड्रेस और टाइम हम आपको भेज रहे हैं, आपका इंतजार रहेगा। कैसे जाएं हम? वरुण जी ने तो मना कर दिया, कुछ ना कुछ तो करना होगा। कल श्रद्धा से साफ साफ सारी बातें ही कर लूंगा, हमारे बीच कोई तनाव नहीं रहना चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। रात को पत्थर कौन फेंक रहा है? जानता हूं घर में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन मेरा फोन तो उठा लो, एक बार मुझसे बात करो, कल मुझसे मिलने आ जाओ, मैं इंतजार करूंगा। जानता हूँ घर में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन मेरा फोन तो उठा लो, एक बार मुझसे बात करो, कल मुझसे मिलने आ जाओ, मैं इंतजार करूंगा। हेलो अभय, वो एक्चुअली मैं मीटिंग में हूँ ना, ऑफिस में सब लोग साथ में बैठे हैं, तो मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूँ? मैं जाने दूंगी। क्या हुआ है अबे? तुम्हें इतना बेचैन पहली बार देख रहे हैं हम। तुमसे क्या मतलब है? मुझे अकेला छोड़ दो यार। तुम्हारी हर चिंता का हमसे मतलब है अब, क्योंकि इतने सालों से हम ही तो रह रहे हैं ना तुम्हारे परिवार के साथ, तो तुम्हारी परेशानी और तुम्हारे परिवार की परेशानी भी तो हमारी परेशानी है ना, नहीं देख पाते तुम्हें हम ऐसे। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी परेशानी खुद सुलझा सकता हूँ। ठीक है, मत बताओ, पर हम जानते हैं कि तुम अपनी शादी से खुश नहीं, क्योंकि तुम्हारी बीवी ना हर रोज एक नई परेशानी जो ले आती है। सोनिया, क्या ये जरूरी है क्या? जब तक मैं तुम्हारी बेइज्जती ना करूं तब तक तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी? ठीक है, हम जा रहे, पर पहले तुम अपने कमरे में जाओ। हाँ ठीक है, जा रहे। Thank you.
तुम मुझे खुद से कितना भी दूर कर लो आप, मैं श्रद्धा और तुम्हारे बीच दूरियां इतनी बढ़ा दूंगी कि तुम खुद श्रद्धा को इस घर से बाहर निकाल के फेंकोगे, वरना मेरा नाम सोनिया नहीं। वो एक चिट्ठी फेंक के मैंने तुम्हारे मन में 100 सवाल खड़े कर दिए आप, जिसका जवाब तुम्हें श्रद्धा से कभी नहीं मिलेगा। कल देखते हैं कि इस घर में उस चिट्ठी से कौन सा नया रंग खिलेगा। जानता हूँ घर में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन मेरा फोन तो उठा लो एक बार, एक बार मुझसे बात तो कर लो, कल मुझसे मिलने आ जाओ, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। ये चिट्ठी यहाँ पर किसने डाली? अभय, ये चिट्ठी यहाँ पर किसने डाली? कौन है ये? मुझे क्या पता, तुम्हें फोन आ रहे होंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप, भला मुझे कोई फोन क्यों करेगा, और मुझे तो कोई फोन आया भी नहीं है। लीजिए, मेरा फोन आप खुद ही देख लीजिए। ये चिट्ठी यहाँ पर किसने डाली? होगा कोई। श्रद्धा जी, मम्मी जी, मैं बस अभी मम्मी जी से मिलके आती हूँ। अजीब है यार, अगर श्रद्धा को इस चिट्ठी के बारे में पता होता तो मुझसे तो ही ना पूछती यार। ये सवाल है कि खत्म ही नहीं हो रहे। मुझे किसी भी कीमत पे शाम तक इस किस्से को खत्म करना ही होगा। आज शाम को नहीं, आज मैं कुणाल से नहीं मिल सकती, क्योंकि उससे मिलना मतलब अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना होगा। और श्रद्धा भाभी ने ना मुझे उससे मिलने के लिए मना किया है कि अगर मैं कुणाल से मिली तो घर में हमारे बारे में सबको सच बता देंगी। तुझे पता है कल तो उन्होंने मुझे कुणाल से फोन पर बात करते हुए पकड़ लिया होता, बाल बाल बची मैं। आरती, तू ना बहुत ज्यादा सोच रही है, और श्रद्धा को संभालने के लिए मैं हूँ ना, तू जा और बस आराम से मिल कुणाल से। यार सोनिया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आरती तू देख, यही वक्त है ये सब करने का, ठीक है? तू जा आराम से उससे खरीदारी करवा, तभी तो पता लगेगा ना कि तेरा अमीर बॉयफ्रेंड कितना प्यार न्योछावर करता है तेरे ऊपर। एक सेकेंड रुक, मैं बताती हूँ कि तू क्या पहन के जाएगी कुणाल से मिलने। ये रही। मुझे ना सच में बहुत डर लग रहा है, अगर श्रद्धा भाभी ने इस बार हमें साथ में पकड़ लिया ना तो मैं नहीं बचूंगी। तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है जब मैं कह रही हूँ कि मैं हूँ तो? तू सच में श्रद्धा भाभी को संभाल लेगी? हाँ बाबा, पक्का मैं तेरी श्रद्धा भाभी को संभाल लूंगी। और वैसे भी देख, तुझे अब ये मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि आज सारे घर वाले मंदिर जा रहे हैं शाम को, तो तू जल्दी से अपना कॉलेज खत्म कर और उसके बाद 5 बजे मिल ले कुणाल को। तू ना सच में मुझे मेरे परिवार वालों से भी ज्यादा अच्छे से समझती है। थैंक यू। मैं ना कुणाल को मैसेज कर देती हूँ कि आज शाम को हम दोनों मिलने वाले हैं। एक मिनट। हे भगवान, ये कमरा तो जैसे खंडहर बन गया है। अरे श्रद्धा कहाँ हो, जल्दी आओ भाई। आई मम्मी जी। कितना धूल, हे भगवान, ये चाले तो देखो क्या हालत हो गई है इस कमरे की भाई। इतने दिनों से कोई आया नहीं है तो सफाई भी नहीं हुई है, देख रही हो तुम क्या हालत है इस कमरे की। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं अभी साफ कर देती हूँ।
भगवान। श्रद्धा श्रद्धा तुम ना बाहर के कामों को छोड़ो और जरा घर के कामों पे ध्यान दिया करो। अरे तुम्हारे समाज सेवा के चक्कर में घर में कचरा इकट्ठा हो रहा है। अरे ऐसे में कैसे पधारेंगी लक्ष्मी जी यहाँ बताओ। और वैसे भी हमने अनुज जी से कह दिया है कि नए साल में इस घर की सफाई तुम ही करोगी। तो एक काम करो, आज शाम से ही श्री गणेश करो, वो भी इसी कमरे से, ठीक है? मम्मी जी, आज शाम से? हाँ, तो और क्या? अच्छा, मतलब तुम्हारा कैलेंडर इतना भरा हुआ है कि रोज का हिसाब लेने के लिए हमें तुम्हारी अनुमति लेनी पड़ेगी? नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कर लूंगी। और नए साल के आने से पहले पहले आपको सारे कमरे साफ मिल जाएंगे। ठीक है। और श्रद्धा, हम समझ सकते हैं कीर्ति को लेकर जो भी फर्ज हैं तुम्हारे बड़ी बहन के, लेकिन एक बात मत भूलना कि तुम इस घर की बहू और अभय की पत्नी हो, और तुम ना यहाँ रहती हो, नीचे नहीं। कहीं वहां के रिश्ते सुलझाते सुलझाते यहाँ के रिश्ते ना उलझ जाए। उलझ गए हम आपके साथ इस रिश्ते में आपकी बीवी बनके। अरे अपनी मर्जी से बिना आपसे पूछे हम कुछ नहीं कर सकते। एक फोटो शूट कराने का मन है हमारा, लेकिन आप नहीं चाहते, इसीलिए हम नहीं कर सकते बिना किसी वजह के। लेकिन वरुण जी, आपको क्या लगता है, आप हमें रोकेंगे तो हमारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे? आप हमें अभी तक जानते नहीं हैं। नैना भाभी, नैना भाभी, आप यहाँ आराम से बैठकर पूजा की थाल सजा रही है और वहाँ पूरे कानपुर में पता नहीं हमारा घर कौन से तरीके से सज रहा है। ऋतु, क्या हुआ, क्या बोल रही हैं आप? बोलने को बचा क्या है अब भाभी, लीजिए देखिए खुद ही अपनी आंखों से। जी, ये कैसी तस्वीरें हैं, हमें नहीं देखनी। भाभी, अपनी आंख पर पट्टी बांधने से ना पूरा कानपुर अंधा नहीं हो जाएगा। और ये लड़की भी कमाल है, उसे जरा भी शर्म नहीं है। उसे पता है कि हर रोज उसकी वजह से कोई ना कोई इस घर में कांड होता है, लेकिन मजाल है कि जरा सी उसमें शर्म हो? नहीं, हर रोज उसको करना होता है नया कांड। कीर्ति से ना पश्चाताप की उम्मीद तो मैं पहले ही नहीं थी, लेकिन अब ये सब। जी 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 भाभी, देखिए लोग नहीं फोटो देखकर क्या क्या लिख रहे, देखिए पढ़कर सुनाते हैं हम आपको। तुम इतनी सुंदर हो, कभी आओ हवेली पर। हुस्न है सुहाना, आपके इश्क में होना है दीवाना। छी ऋतु, आप सबसे पहले ना ये टॉक टॉक बंद कीजिए, कीर्ति को तो हम संभालेंगे। अच्छा, आप वरुण को फोन कर रही है? अच्छा कीजिए, अब हम भी देखते कि उसकी बड़ी बहन अपनी ये बिगड़ेल चुटकी को ना कैसे बचाती है। श्रद्धा, सोनिया, मुझे ऑफिस के लिए ना बहुत देर हो रही है, मैं तुमसे शाम को आकर बात करती हूँ। श्रद्धा, अब मुझे लगता है कि तुम्हें ये बताना ही ठीक रहेगा। क्यों, क्या हो गया? आरती के लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, तुम खुद ही देख लो उसने क्या लिखा है। आज शाम 5 बजे मिलते हैं, हमेशा जहाँ मिलते थे। अरे वो तो शाम 5 बजे अपनी दोस्त सारिका से मिलने जा रही है, तो इसमें क्या गलत है? श्रद्धा, वही तो मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि, अच्छा रुको, तुम खुद ही सुनो, अब तुम खुद ही सुन लो स्पीकर पे कि आरती की दोस्त सारिका है या कोई और। बोलो मेरी जान, मिल रहे हैं ना शाम को? हेलो आरती, मेरी फ्रेंड है ना सारिका, उसी का फोन था, उसे मुझसे नोट्स चाहिए थे, तो बस इसीलिए। देख रही हो,
वो कैसे तुमसे और घर वालों से झूठ बोल रही है। मैं उससे आज आकर बात करती हूँ। बोलिए, ऐसा क्या जरूरी बात करना था कि आप लोग को यहाँ आना पड़ा? भाभी की आंखें शर्म से झुक गई है तो वो गुस्से में नहीं बोल पाएगी, तो हम बताते हैं। बताते नहीं है, तुम्हारी करतूतें दिखाते हैं। अरे ये क्या हो गया, इसका पन्ना कहाँ चला गया, हम क्यों नहीं देख पा रहे? क्या हुआ बुआ जी? हमें ना आपसे यही उम्मीद थी कि आप हमारा वीडियो दिन भर देख देख के हमारी बुराइयां सबके पास करती हैं, इसीलिए हमने ना आपको ब्लॉक कर दिया। क्या? हाँ, आप सबको हमारे खिलाफ भड़काती हैं ना, तो ये मौका हमने आपसे छीन लिया। देख रहे भाभी, इसकी बेइज्जती हम इसको नहीं छोड़ेंगे। रितु, अब शांत हो जाइए। कीर्ति, आप अपनी हरकतें खुद भी देख समझ पाती हैं या नहीं? इतनी बेहुदा हरकत आप कैसे कर सकती हैं? अब सिर्फ कानपुर ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि त्रिपाठी खानदान की बहू ने कैसी कैसी फोटो डाली है। हम दुनिया की पहली बहू नहीं जो ऐसी तस्वीरें डाल रहे हैं, और हमें पता था कि आप लोग ना रोका टोकी करेंगे, इसीलिए ना बुआ जी हम घर छोड़कर यहाँ आए थे वरुण जी के साथ, ताकि हम खुशी से जी पाए। पर नहीं, हमारे घर के मामलों में आप लोगों को अपनी टांग डालनी डालनी है। बिल्कुल चुप। आपको वरुण ने मना किया था या नहीं ये सब करने से? झूठ तो बोलिएगा ही नहीं, और ये सब करके आप साबित क्या करना चाहती हैं? हाँ, एक तो सबसे पहले आपकी वजह से हमारा खानदान ही हार खोते खोते बच गया, लेकिन उसके बाद भी आप कोई कसर नहीं छोड़ती हर रोज एक नया तमाशा करने के लिए, और आप हमको शांति से। हेलो, हाँ हम आ रहे। नहीं नहीं, वो अचानक से एक बेकार सा अड़ंगा आ गया था हमारे घर पे, पर अब सब ठीक, हम आते हैं। अब देखिए, हमें ना बहुत जरूरी काम है, तो आप लोग प्लीज अपने अपने घर जाइए। ये हमारे बेटे का घर है, और यहाँ से जाने के लिए वो खुद भी हमें कभी नहीं कह सकते। तो जब तक आपके बेटे यहाँ नहीं है, इस घर के फैसले हम लेते हैं, उस पे हमारा हक है। तो अभी आप दोनों यहाँ से निकलिए। आने दीजिए वरुण को, अब आपका फैसला ना वही करेंगे। ठीक, तब तक हमारे घर की चौखट पे आप लोग आने की तकलीफ मत करिएगा, और ना हम पे हुकुम चलाने की। चलिए चलिए चलिए। अरे चलिए 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 चलिए। अरे ये तो हमें निकाल रही है। श्रद्धा रुको, मुझे लगता है कि अभी बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो अभी 10 झूठ और बोलेगी। ओफो, ये फोन तुम्हारे पास है? मैं कब से अपने कमरे में ढूंढ रही हूँ, एक कोना छान के ना थक गई मैं। लाओ फोन दो मेरा। हाँ, वो तुम्हारा और हमारा फोन एक जैसा लगता है, तो शायद गलती से उठा लिया होगा। मैं जा रही हूँ कॉलेज, वरना लेट हो जाऊंगी मैं। आरती, हाँ क्या हुआ? तू आज शाम को मंदिर चल रही है ना हमारे साथ? ये कैसा सवाल है सोनिया, और मुझे मंदिर जाने की क्या जरूरत है? और तुम्हें तो पता है ना, आज मैं वैसे भी मैं तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए जा रही हूँ, मेरी एक्स्ट्रा क्लास है ना आज कॉलेज में। पर तुझे तो पता है ना, आज घर वालों के लिए कितना बड़ा दिन है, तो आज क्लास छोड़ देना। मेरी बहुत इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्लास है, तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, तुम्हें पता तो है। मैं लेट हो जाऊंगी, मैं जा रही हूँ। देख रही हूँ ना, अब तो वो मेरी भी नहीं सुनती है, मैं कैसे समझाऊँ उसको कि वो गलती कर रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है श्रद्धा, कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मुझे लगता है तुम्हें ही उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम खुद जाके उस लड़के से बात करो ना। श्रद्धा, मैं निकल रहा हूँ, तुम भी वक्त पे आ जाना, देर मत करना। मुझे भी कुछ काम है, तो मैं वो कर लेती।
है माता रानी, अब क्या करूं? अभय के साथ देर हो गई तो कहीं बात ना बिगड़ जाए, और डर इस बात का है कि अगर आरती को नहीं रोका तो कुछ बड़ा ना बिगड़ जाए। अब आप ही बताइए क्या करूं, कैसे इन दोनों को संभालूं? किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।